पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर काफी लंबे समय से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गिरफ्तारी की मुश्किलों के बीच फंसे इमरान खान जब कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे तो उनका काफिला एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, एक गाड़ी तो पूरी तरह पलट गई। हालांकि इस हादसे में इमरान खान बाल बाल बच गए, लेकिन कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया और आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की वजह से उनकी कोर्ट में पेशी में काफी देरी हो गई। इमरान खान तोशखाना मामले में आज कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। उधर इमरान खान की पेशी में कोई बवाल ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इस्लामाबाद शहर में कल रात से ही धारा 144 लागू कर दी गई है। इन सब के बीच इमरान खान के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। पुलिस बुलडोजर से गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुई और करीब 3 घंटे तक तलाशी अभियान चलाने के बाद लौट गई। हादसे के बाद इमरान खान ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा कि मुझे गिरफ्तार करने की साजिश लंदन प्लान का हिस्सा है। वो चाहते हैं कि मैं जेल में रहूं ताकि चुनाव में हिस्सा ना ले सकूं। लेकिन मेरे गिरफ्तारी के बाद पीटीआई को संभालने के लिए मैंने एक नए कमेटी का गठन कर दिया है। हालांकि इस कमेटी के बारे में उन्होंने और कोई जानकारी नहीं दी। अपने वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। मेरे पाकिस्तानियों, मैं इस वक्त इस्लामाबाद की अदालत में जा रहा हूँ। बदकिस्मती से एक्सीडेंट हुआ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है मुझे अरेस्ट करने का, और इससे साबित हो जाती है इनकी बदनीयती। मैं इस्लामाबाद की अदालत में पहले भी जा रहा था। इन्होंने जो मेरे घर के ऊपर हमला किया, वो ये मकसद नहीं था कि मुझे इस्लामाबाद की अदालत में पेश करना। मकसद ये था कि मुझे जेल में डालना। जेल में क्यों डालना? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है कि मुझे जेल में डालो। ये नवाज शरीफ की, ये उसकी डिमांड है कि इमरान खान को जेल में डालो और इलेक्शन में मुझे हिस्सा ना ले सके, और ये फिर वही करने जा रहे हैं। अभी मुझे पता है कि मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि मैं रूल ऑफ लॉ में मानता हूं, कानून में मानता हूं। पता होते हुए मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं कौम को बताना चाहता हूं कि ये बेनकाब हो गए हैं। ये जो लोग ऊपर बैठाए हुए हैं, जो चोर और डाकू और जिन्होंने बैठाए हैं, ये बेनकाब हो गए हैं कि इनकी नीयत क्या है। नीयत कभी इस मुल्क में कानून नहीं थी। इसमें जंगल का कानून नाफिज किया हुआ है इन्होंने।